नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। एंजल वन यानी एंजल ब्रोकिंग ने क्वार्टर थ्री के अर्निंग्स जस्ट अभी अनाउंस किए, बहुत ही दमदार नतीजे और डिविडेंड दिया है ₹7 प्रति शेयर का। आगे बढ़ने से पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए आए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं डिविडेंड की। तीसरा इंटरिम डिविडेंड डिक्लेयर किया है कंपनी ने ₹7 प्रति शेयर का, जो कि आप देख रहे हैं। इसके लिए रिकॉर्ड डेट तय की गई 25 जनवरी 2022, यानी 25 जनवरी को आपके डीमैट में डिलीवरी बेसिस पर शेयर्स होंगे तो आप इलिजिबल हो जाएंगे डिविडेंड को पाने के लिए। उसके अलावा देखिए, जब डिविडेंड आपको पेमेंट कब तक हो जाएगा तो डेट मेंशन करिए, 15 फरवरी 2022 तक आपके जो है अकाउंट्स में डिविडेंड क्रेडिट हो जाएगा। अब आगे बात करने वाले हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड नंबर्स के बारे में, जो कि शीट मैंने ओपन किया, अमाउंट इस शीट में सारा मिलियन में मेंशन किया हुआ है। अब बात करते हैं कंपनी के टोटल इनकम के बारे में, जो कि क्वार्टरली बेसिस पर सबसे पहले देखेंगे। सितंबर से लेकर दिसंबर 21 में 3 महीनों के अंतराल से कंपनी की इनकम यहाँ देखेंगे मिलियन में 538 करोड़ से बढ़ के आई है 607 करोड़ की, यहाँ आपको बढ़त देखने को मिल रही है। और साथ ही पिछले साल से देखेंगे दिसंबर 20 से दिसंबर 21 में तो 315 करोड़ से लेकर 607 करोड़, यानी कंपनी की इनकम करीब डबल हो चुकी है एक साल के अंतराल से। ये बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे उछाल आप देख रहे हैं। अब आगे बात करते हैं कंपनी के सीधे नेट प्रॉफिट के बारे में, जो कि यहाँ देख रहे हैं प्रॉफिट फॉर द पीरियड एक्सपेंसेस टैक्सेस सारे हटाने के बाद तो 134.1 करोड़ के सामने कंपनी की इनकम बढ़कर आई है 164.5 करोड़ की। वहीं लास्ट ईयर से देखेंगे 73.1 करोड़ से बढ़कर 164.5, यानी दुगने से भी ज़्यादा कंपनी की इनकम यहाँ ग्रो हुई है ईयरली बेसिस पर, जो कि बहुत ही बेहतरीन आप देख रहे हैं। टोटल खर्चे भी जल्दी से दिखा दूँ, 358.7 करोड़ से बढ़ के आए हैं 386.3 करोड़ के, जो कि लास्ट ईयर 211.3 करोड़ के थे। यानी ईयरली बेसिस पर कंपनी के खर्चे ज़बरदस्त ग्रो किए हैं, उसके बाद भी कंपनी का मुनाफा दुगने से ज़्यादा बढ़ा है, यानी कंपनी का कारोबार तो अच्छा चल रहा है, जो कि क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। EPS दिखा दूँ आपको, अर्निंग पर शेयर, जो कि देखेंगे 19.89 यानी करीब करीब 20 रुपये की है, और जो कि 16.27 की लास्ट क्वार्टर में थी और पिछले साल करीब 9 रुपये की थी। EPS भी देखेंगे दुगने से ज़्यादा जंप करी है। देखिए, एंजल वन ने अब तक काफ़ी दमदार रिटर्न दिए हैं, जो कि आप देख ही रहे हैं, और पिछले कई महीनों से देखेंगे तो स्टॉक साइडवेज भी है, उतार चढ़ाव भी दिखा रहा है और नीचे के इस तरह से काफ़ी सुधरा भी है। 2 बार सपोर्ट लिया है 1000 के लेवल पे। अगला टारगेट कल की डेट में मेरे ख्याल से आपको दिखना चाहिए, जो कि है 1500 रुपये का, 1361 है, यानी करीब करीब 125 अंकों का मोमेंटम आपको कल की डेट में यहाँ दिख ही जाना चाहिए। 1500 रुपये को अगर ब्रेक कर देता है कल या आने वाले दिनों में तो अपने लाइफ टाइम हाई, जो कि स्टॉक काफ़ी ज़्यादा ऊपर है 1700 के आसपास के हैं, ये अचीव करते हुए स्टॉक देखने को मिलेगा। जिस हिसाब से नतीजे आए, ये कंपनी ने साबित किया है कि वाकई दमदार ग्रोथ हम हासिल कर रहे हैं। तो ये नतीजे आपके सामने, मुझे कमेंट करके बताना अगर आपको नतीजे कैसे लगे, और आपने अगर बाय कर रखा है। वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।